बहुत बुरा लगता था तुम लोग तो मैडम बैठ दे दो अच्छा नहीं लगता। मैं कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ मीडिया की। ये मेरी साड़ी क्यों चली बार बार? कुछ तो वो राकेश भाई दो बूंद छटे एबीपी के बाजू वाला हो गया। अबे तू ट्रोल कर रहा है यार मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अभी शादी नहीं हुई मेरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इतनी ये है जिसे मेरी लाइफ सुहाग रात होगी उस दिन क्या करोगे तुम? सब जगह पे क्या करोगे? हमारी लाइफ सुहाग रात होगी तुम ऐसे राखी और दीपक सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? धन्यवाद। एक मिनट, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जब तक चले ना सर पे पल्लू ना ले लूं मैं बात नहीं करती। ऐसा मत करो मेरे साथ। कुछ भी है मैं एक चमक छल्लू मत लगाओ प्लीज। क्या कर रहा है यार तू? दीदी वैसे भी हमारी शादी तो न्यूड होने वाली है। भारत में हूँ जब तक भारतीय नारी तो बन के रहने दो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी तरह से अपने आप को पल्लू में झटको डालिंग। तुम एक राखी सावंत हो। तो राखी सावंत कौन सी नंगी घूमती है? क्या बात करते हो? पति हो के पतीला? कैसी बात चल रही है? बीवी की इज्जत करो। ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए। देखिए क्या है ना कि हमने देखा है पिछले 15-20 दिन से कि आप सब सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं। हमें फोटो दे दो, हमें बाइट दे दो, लेकिन सेलिब्रिटीज आपको भाव नहीं देते। लेकिन तो फिर हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम आपके सामने आके आपको भाव दें। इसलिए हम दोनों यहाँ पे आए हैं और हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। मैं तो आपने तो मुझे हमेशा बोलते हुए देखा है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे वुड भी आपसे बात करें और हमारे लफड़े के बारे में बताएं। आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप क्या कुछ बोलना चाहते हो। जब बीवी हो राखी सावन जैसी तो दीपक कलाल बोलना नहीं, कुछ कुछ करना चाहेगा क्योंकि राखी बहुत हॉट है। और जब मैं उसको पहले टीवी पे देखता था, उसके आइटम सॉन्ग्स देखता था, तो कभी सोचा भी नहीं था कि राखी जो है वो मेरी हमसफर बनेगी। और जब ये मेरे आइटम सॉन्ग्स देखते थे तब इनके खड़े हो जाते थे रोंगटे पागल। राइट राइट, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत हॉट एंड वाइल्ड रहा हूँ। तो जब राखी को मेरे पटाखी का एहसास लोगी क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत हॉनी फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे बहुत उफान आ रहा है मेरे जवानी। तुम्हारी नहीं दिख रहे तो मेरा तो दिखने दो। ओके ठीक है। देखो तुम मेरे बिजनेस मेरी दुकान बंद करने की कोशिश ना करो। डेफिनेटली। अच्छा इसके अलावा शादी करने वाले आप लोग वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाया था, उसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। हाँ हाँ जरा बताओ, इन्होंने करवाया था जस्ट लॉ हॉस्पिटल, मतलब इसका भी मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाया। और तुम्हें पता है मतलब आप सोच के पूरे दंग रह जाओगे कि वो वर्जिनिटी टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गई। थैंक यू सो मच। कितने पैसे दिए डॉक्टर को? नहीं, मजाक का मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी राखी बहुत बड़बोली है, बातें तो ढेर सारी करती है लेकिन रियलिटी में वो वर्जिन है। क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में कहा था, बोलो आगे और पीछे। हाँ दो हमने टेस्ट करवाई आगे पीछे, अभी कल हम लोग ऊपर नीचे की भी करवाने वाले हैं। तो दोनों टेस्ट में राखी जो है वो वर्जिन साबित हुई है। और मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जो दुल्हनियां मिल रही है वो पूरी तरह से वर्जिन है। क्योंकि इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसका जो शरीर है वो मंदिर है और मैं पहला पुजारी हूँ जो इस मंदिर की टन टनाटन घंटियां बजाने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान। हाँ जब मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक भारतीय लड़की के साथ जब इन्होंने मुझे शादी का प्रपोज किया तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि एक शर्त पर कि पहले जसलोक हॉस्पिटल में वो मेरी वर्जिनिटी जो है वो टेस्ट करवाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं तो खुद ही पवित्र हूँ आप करवा लो। तो चलो मैं तो उसमें पास हो गई लेकिन मैं कहाँ से पीछे रहने वाली थी। मैंने कहा आपने तो मेरा वर्जिनिटी टेस्ट करवा लिया उसमें मैं पास भी हो गई लेकिन आपको भी करवानी पड़ेगी। मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाई आगे से। इसने कहा कि आगे की मुझे गारंटी है, सबसे पहले आप पीछे की करवाओ। और उसके बाद में दबाव में मैंने पीछे की मैं भी थोड़ा शासन था
लेकिन सरप्राइजिंगली वो टेस्ट में मैं पास हो गया, घंटा पास हो गया। आगे तो चलो ठीक है, कुछ नहीं है, पीछे तो काली घाट की गुफा निकली तुम्हारी। नहीं राखी, देखो ऐसे मत कहो, ये सब अंदरूनी बातें होती है, इसे इस तरह से उजागर करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन तुमने इतनी बड़ी गुफा बनाई कैसे? नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ हादसे हुए मेरे साथ, कुछ पंजाबी लड़कों ने मेरे साथ बल्ले बल्ले करने की कोशिश। बल्ले बल्ले मतलब क्या? बल्ले बल्ले मतलब वही कुछ जिसे समाज गलत समझता है, बलात्कार। हाँ, और उसके लिए मैंने एक वीडियो भी जारी की। देखो दुश्मनों, सॉरी दोस्तों, देखो इनका मेरे पति का पहले बलात्कार हो चुका है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे इस तरह से मत देखो, क्योंकि मेरे साथ जो गलत दुर्घटना हुई है उसमें मेरी कुछ। अरे तुम ऐसे मटक मटक के लड़कों को इन्विटेशन दोगे तो तुम्हारी लेंगे ही ना। राखी कैसी बातें कर रही हो, मैंने तुम्हें पूरा हादसा जो है वो बताया है, मतलब उसमें मेरी कुछ भी गलती नहीं थी। तुमने तुम्हारी चुच्चियों को पियर्स किया मैंने सुना। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी चुच्चियाँ देखकर वो लड़के अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो वहाँ पर आने लगे और मुझे मेरे तन बदन के साथ खिलवाड़ करने लगे और चंदी घंटों में खड़े होके देखने लगे। आओ खेलो मारा क्यों नहीं पत्थर उठा के तुमने? राखी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो तीन हट्टे कट्टे मुस्टंडे मटन की दुकान थी और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो लोगों ने मेरे साथ बल्ले बल्ले किया और पूरी रात भंगड़ा चलते रहा। बेबी जब ऐसे किसी से बलात्कार हो यू शुड यूज पेपर स्प्रे। तुम एलए में रहते हो? लेकिन वो टाइम मेरे पास वैसे कुछ स्प्रे पेपर स्प्रे चक्कू या ऐसे ऐसी कुछ चीजें यूज किया करो ना। डेफिनेटली तुम मुझे वो चीजें देना ताकि फ्यूचर में मैं कभी भी ऐसी मतलब हरकत नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज देने वाली हूँ, आज वर्ल्ड एड्स डे है तो जिस तरह तुम्हारी गुफा बड़ी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा कॉन्डम देना चाहती हूँ जिससे तुम हमेशा सेफ रहो। डेफिनेटली, ताकि कभी भी मेरे ऊपर कुछ अत्याचार हो तो मैं कम से कम सामने वाले को गुजारिश कर सकता हूँ। पहले कॉन्डम पहन। हाँ हाँ मैं यही करना चाहूंगा, यही बोलना पहले। हाँ डेफिनेटली, और कौन सा वो कॉन्डम है जिसकी तुमने ऐड की थी? बी बॉय। ओके, उसने हमेशा बोला बी बॉय। बट आई एम अ मैन। अरे यू ओके बी बॉय, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो पहले बी बॉय यूज करो। क्या हम शादी की बात करें? और उसके बाद तुम्हारी रेप की बात हो गई हो तो हमारी शादी की बात करें। हाँ हाँ डेफिनेटली, चलो। हाँ बताइए, हमारा पहले बताइए। मेरे जो वीडियोस थे वो देखकर राखी काफी इम्प्रेस हो गई, क्योंकि मेरे वीडियो जो है वो मर्दानगी से भरपूर थे। तो राखी ने सोचा कि कौन है ये हट्टा कट्टा मुस्टंडा जो इंटरनेट की दुनिया में दस्तक दे रहा है। फिर क्या, राखी ने मेरा वीडियो देखा, उसने तारीफ की और मैं दंग रह गया कि एक इतनी हॉट बाला मुझ जैसे न्यू कमर को इस तरह से भाव दे रही है। जानू ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। ये हेलमेट जानू, एक सेकंड। हाँ ये ओके, ये बहुत सही। नहीं जानू प्लीज ऐसे हेलमेट तो मैं सुहागरात के दिन पहनना चाहता हूँ। ये अच्छा लग रहा है जानू, प्लीज देखो। वाओ ये बीबो का हेलमेट है। आप बोलिए, ऑलवेज सेफ्टी गार्ड होना बहुत जरूरी है। तो काश मैं ये पंजाब में यूज करता जो मेरे साथ। बट यू लुकिंग वेरी नाइस, फ्रेश। नाउ यू कैन कंटिन्यू। या तो उसके बाद में फिर टॉपिक क्या चल रहा था? शादी का कैसे मिले, कैसे प्यार हुआ। ओके, तो उसके बाद में फिर कौन है वो बंदा जो YouTube की दुनिया में दस्तक दे रहा है? और उसके बाद में राखी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाए जिनको मिलियन ट्रिलियन व्यूज मिले। और उसके बाद में वो कहते हैं ना कि हमारा प्यार जो है वो परवान चढ़ने लगा। पहले जो हमारी दोस्ती थी वो वर्चुअल डिजिटल थी, सिर्फ व्हाट्सएप पे हमारे चैटिंग चलती थी। लेकिन जब रियलिटी में मैंने राखी को मेरे मर्दानगी का एहसास लॉस एंजलिस में दिया, तब राखी को पता चला कि दीपक सिर्फ वीडियो में एक मर्द नहीं है, रियलिटी में एक हट्टा कट्टा तगड़ा तगड़ा मुस्टंडा है। और राखी मेरे प्यार में पागल हो गई। दीपक एक मर्द नहीं है, दीपक एक नामर्द है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। मैं एक मर्द हूँ, सच्चा मर्द। कितने भी आलो कितने भी पालो दीपक सब ले सकता है, क्योंकि मुझे कोई दर्द नहीं होता है ना राखी। दर्द नहीं होता? नहीं, क्योंकि तुम मर्द हो इसलिए तुम्हें दर्द नहीं होता जानू। और यही मेरी अदाए जो है वो राखी को लुभा गई जी। और उसके बाद में फिर हमने शादी का डिसीजन लिया। हाउ यू प्रपोज मी, जस्ट टेल देम हाउ यू प्रपोज मी। मैंने राखी को सबसे पहले एक बनाना दिया। और क्योंकि लोग जो है वो गुलाब का फूल देते हैं, लेकिन मैंने राखी को जो है वो बनाना दिया। और राखी वो बनाना देख के बहुत खुश हो गई, क्योंकि जिस कंडोम की वो ब्रांड एम्बेसडर है उसका फ्लेवर भी बनाना है। और
मुझे जिंदगी में दो चीजें नहीं, मेरे कंडम का फ्लेवर बनाना है, ऊद है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, जितने भी भोपला है, हर टाइप के कद्दू भी है, कद्दू भी है, दूधी भी है, ओके दूधी, मतलब लौकी, हम लोग यहाँ मराठी लोग लौकी को दूधी कहते हैं, ओके मुझे थोड़ा अनईजी लग रहा है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा भी लग गया, रख दो तुम्हारा ढक्कन, ठीक है जी, हाँ। और उसके बाद में फिर डाकी ने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा कि मैं बनाना बॉय हूँ, और उसके बाद में मेरे जो वीडियोस है बनाना वाले, उसको मिलियन मिलियन में व्यूज मिले हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप हमेशा ये बनाना लेके क्यों घूमते हो, क्योंकि बनाना को आप छुपा के क्यों नहीं रखते हो, हाथ में लेके क्यों घूमते हो? क्योंकि मुझे लाइफ में दो चीजें बहुत पसंद है, गोवा के बाटे बाटे बनाना और लोगों को उल्लू बनाना। तो तुम उल्लू बना रहे हो, मुझे शादी नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, डेफिनेटली मींस यू आर नॉट हियर टू मैरी मी, हां नहीं नहीं बाकी डेफिनेटली मैं तुमसे शादा करने वाला हूँ। शादा? हाँ, मैं शादी को शादा कहता हूँ। ये रहा शादा, ये रहा शादा, वो रहा आधा, तो आपको ऊपर से नीचे तक आधा 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 नीचे से ही आधा करोगे जी। तो मैं अभी बहुत खुश हूँ कि पूरी दुनिया के सामने हम हमारे शादी का ऐलान करने जा रहे हैं, और आप जानकर भौचक्का रह जाओगे, हक्का पक्का रह जाओगे, झुंझला जाओगे, बौखला जाओगे, क्योंकि ये शादी टोटली न्यूड होने वाली है, और ये डिसीजन हमने लिया है ग्लोबल वार्मिंग के तहत। न्यूड? डेफिनेटली। और राखी तुमने इस बात को मानना होगा, क्योंकि दिन ब दिन गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमारे शारीरिक तापमान में बढ़ोतरी होती है, और इस तरह से वातावरण में बढ़ोतरी होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। जानो, लेकिन मैं न्यूड हो जाऊंगी तो सब अमेरिका वाले सब मेरे देख लेंगे खजाने को। वैसे मुझे तो लगता है लगभग सबने ही देखा है अभी तक, मतलब फिल्मों में, और उसके बाद में बाकी की जो तुमने डांसिंग नंबर्स किए, शक कर रहे हो? नहीं, मतलब ये पूरी तरह से न्यूड नहीं होगा, ये एक इको फ्रेंडली शादी होगी, जिसमें हमारे फ्रेंडली गणपति बापा होते हैं शादी कैसे नहीं नहीं, जिसमें राखी जो है वो केले के छींटे जो है वो अपने बदन पे कुछ पुर्जों को लगाएगी, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित। और बकरियां अगर फिर मैं क्या करूंगी, अगर कोई जानवर आके वो केले के छिलकों को खा गया फिर क्या होगा मेरा? हमारी शादी केले में होने वाली है, वहां पे बकरियां नहीं, मेरे जैसे बकरे होते हैं। एले में बकरी नहीं होती? होती है, बट वो उतनी मैं नहीं करती है दादी, तू कुछ ज्यादा ही मैं कर रही हूँ। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमें जो है वो बहुत सारी चीजें करनी है। डाकी के साथ मैंने ढेर सारे डिस्कशंस किए, और आपको जान के हैरानी होगी कि हम एक डॉल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। डॉल जो सिलिकॉन जैसे तैमूर, तैमूर है वैसा? डेफिनेटली। और वो डॉल का नाम होगा राखी सावंत, क्योंकि दुनिया में ये जो बलात्कार बढ़ रहे हैं, तो राखी सावंत डॉल जो होगी वो एक सॉफ्ट सिलिकॉन डॉल होगी, तो जो यंग लड़के जो है वो हॉनी है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको ऑर्गेज्म मिलने के बाद पूरे समाज में कभी ये गलत काम नहीं होगा, और उसके लिए हमारी राखी का बलिदान होगा। लेकिन ये जोगे पतिये पतिला राखी, ये एक समाज बलात्कार करवाएगा? नहीं नहीं, अरे मतलब वो एक वर्चुअल चीज होगी, तुम समझने की कोशिश करो, ये एक वर्चुअल होगा, और इसमें समाज में जो बुरे गंदे काम हो रहे हैं उसके ऊपर रोक लगेगी। हे प्रभु, पतिये ढूंढ रही थी, ये क्या भेज दिया? अरे मतलब तुम मेरे डॉल बनाओगे और पूरे समाज से सार्वजनिक ये करवाओगे? अरे इसका मतलब ये है कि वो जो लोग हैं वो गलत काम नहीं करेंगे। कौन? मतलब ये जो ठरकी लोग होते हैं ना, जो रात को घूमते हैं राक्षस बन के, ताकि लोगों के तन बदन को तहस नहस कर सके, तो जब वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो फिर दूसरों को क्यों छेड़ेंगे भला? और इसीलिए राखी सावंत का मैंने चयन किया है, क्योंकि वो रातों रात हाथों हाथ वो डॉल्स बिक जाएगी, और मुझे पता है कि ये जो बलिदान राखी करने जा रही है तो वो एक समाज सेवा होगी, क्योंकि अगर हम कुछ अरे अपने को बिकवा के मैं समाज सेवा करूंगी? कौन सी समाज सेवा है बाबू? मतलब बाबू तो मुझे अपने बीवी को बिकवाओगे? अरे ये क्या है भगवान? राखी देखो, तुम मान जाओ, ऐसे मत करो, क्योंकि इसमें वो लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो ऐसे गलत कारना में। अरे तुम इधर शादी की तुम्हारी बात कर रहे हो कि मेरा क्या, मुझे बेचने आए हो? अरे अगर समझो नहीं भी, मैंने बचपन में एक तकिया रखा था जिसको मैं राखी सावंत समझता था,
कुछ तो उसमें गलत क्या है बाकी बचपन में आपकी एज बता रही है नहीं 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 वैसे कुछ नहीं है मतलब अभी भी मैं उतना ही यंग हूँ जबकि मेरी उम्र जो है वो 24 years and 300 months है लेकिन अभी भी मैं उतना ही जवान हूँ और राखी को उसका एहसास And I'm just born Yeah हाँ तो हमारी वेडिंग कैसे होगी तो आप ये कहना चाहते हैं कि राखी सावंत नाम की एक आप डॉल बनाएंगे और उस डॉल का नाम राखी सावंत रखेंगे या और उसके बाद में वो जो मतलब अभी तक पूरे जैसे तैमूर के डॉल बनी है वैसे मेरी भी बनेगी हाँ डेफिनेटली और उसमें गलत क्या है क्योंकि देखो नहीं बट गलत ये है कि ये गंदे काम करेंगे वो मेरे डॉल के साथ हाँ तो डॉल के साथ तुम्हारे साथ नहीं ना डाली वो तो सिर्फ तुम मेरे साथ करोगी और वैसे दुनिया मुझे लग रहा है कि अपने तकियों को राखी सावंत बना रही है दुनिया जो है पता नहीं कौन सी चीजें सब बलून को राखी सावंत का चेहरा देखकर बलून के साथ खेल रहा है तो अगर हम ऑफिशियल एक डॉल लॉन्च करते हैं ये तो कैसे प्रोडक्ट की बाबा तुम आपने तो मुझे बीवी नहीं प्रोडक्ट बना दिया नहीं, नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है आज आप सरप्राइज देने वाली थी क्या कौन सा सरप्राइज है सरप्राइज अभी मुझे मिल गया सरप्राइज तो मुझे मिल गया है अभी नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं है तुम मुझे गलत मत समझना क्योंकि मेरे इंटेंस नहीं नहीं मैं समझ नहीं रही हूँ तुम गलत हो माफी मांगी मेरे इंटेंशंस जो है वो बहुत पाक है वो नापाक नहीं तुम्हारे इंटेंशन काम ही नहीं कर रहे हैं मेरे जो इंटेंशन जो है वो आज लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन हजार साल बाद लोग कहेंगे कि मैं सही था हजार साल बाद हाँ क्योंकि लोगों को मेरी जो सोच है वो हजार साल आगे है हजार साल आगे है मेरी जो सोच है वो तभी आप न्यू शादी कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा खर्चा बचाया जा सकता है ईव और एडम के टाइम पे तो कपड़े हुआ नहीं करते थे अब उसमें जो पैसे बचेंगे उसमें हम गरीब लोगों को आईफोन गिफ्ट दे सकते हैं जो आज ओप्पो वीवो यूज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है माननी पड़ेगी मेरी बात ऐसे मत करो प्लीज तुम दीपक कलाल से शादा करने जा रही हो और मेरे विचार हमेशा यूनिक और अनकन्वेंशनल रहे हैं सामने देखे थे कि मेरी मेहंदी होगी मेरी हल्दी होगी मेरा लहंगा सिलेगा मेरे जेवर आएंगे सभ्यसाची जो है वो मेरे लिए सब सभ्यसाची आजकल सबको दे रहे हैं कपड़े उनकी मॉडलों का निकाल निकाल के सबको पहना रहे हैं मैं सोचा भी इसने जो बजट रखा था वो 1,20,00,000 था अपने कपड़ों को लेकर लेकिन अगर हम न्यू शादी करते हैं तो वो 1,20,00,000 सॉरी डॉलर्स नहीं मैं अमेरिका में रहता हूँ इसीलिए गलती से बोला इंडियन रुपीस हम गरीबों के लिए यूज कर सकते हैं ये बताओ हमारी शादी हो रही है नहीं हो रही है डेफिनेटली हमारी शादी हो रही है उसके बाद में फिर उसी रात हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक हर एक जगह पे लाइव सुहाग रहे क्योंकि देखो लोग जो है वो सेक्स को गलत मानते हैं इंडिया में सब लोग सेक्स करते हैं लेकिन वो सही ढंग से नहीं करते हैं मैंने 9 महीने का कोर्स किया है न्यूयॉर्क सेक्स का हाँ सेक्स का कोर्स भी होता है मतलब इंटर कोर्स किया है सेक्स का मतलब कोर्स किया है मैंने तो इंटर कोर्स ही होता है ना बट सेक्स का कोर्स भी होता है कहाँ होता है क्योंकि इसको जो है वो सिखाया जाता है कि किस तरह हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को जरूरत है ताकि उनके डाइवोर्स ना हो नहीं क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ सेक्स जो परिभाषा होती है वो बहुत पवित्र परिभाषा होती है आप खजुराहो की मूर्तियां देख लो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि कुंडी लगाओ और कुछ भी करो उसमें आप तरह तरह की चीजें यूज कर सकते मतलब हैं कुंडी ना खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा ओह माय गॉड मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे वो प्रैक्टिकल अभी करना चाहिए दानी जो हम हनीमून के बात करने वाले थे बट नो प्रॉब्लम मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप हनीमून के बाद तो हमारी शादी के बाद हम एक ही चीज करेंगे चल सुनी सुनी तारा कोई गीता बट ये तो चक्के करते हैं तो तुम हो ना नहीं नहीं ये ऐसे मजाक में कह रही है मेरे मर्दानगी के जो किस्से जो है वो हमने दोहराए हैं और मुझे लगता है वो राखी ने बखूबी एंजॉय भी किए हैं लेकिन आप तो विराट कोहली के बच्चे के बाप बन चुके मेरे वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं लड़कियों की एक्टिंग करता हूँ रियली बट रियल लाइफ में मैं खच्चा कच्चा चच्चा मर दूं डार्लिंग तो सबको मैं दर्द दे सकता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वीडियो को देखकर मेरी पर्सनैलिटी को जज ना करें ओके तो रही बात हमारा टॉपिक क्या था डार्लिंग मुझे थोड़ी भूलने की आदत है थोड़ी टीम लगा दो आप लाइव स्वागत बना रहे थे इंस्टा फेसबुक आप
राखी ने दिखाया मंगल सूत्र पहनाने वाले हैं। हां अरे अली क्या कर रहे हैं क्योंकि देखिए जब मैं अमेरिका में थी तब मुझे इन्होंने प्रपोज किया था, एम आई राइट? तो मुझे कहा था आई एम इन लव विद यू राखी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, विल यू मैरी मी? तो मैंने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो होता है ना? डेफिनेटली होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें, तो मैंने कहा कि टेस्ट ड्राइव तो चाहिए, फिर बाद में बार बार शादी इंसान करता नहीं है, बार बार तलाक नहीं ले सकती है, तो मैंने कहा टेस्ट ड्राइव करते हैं, और मैंने जो है वो 150 की स्पीड में गड्डी दौड़ाई है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। लेकिन मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। Come on, Rocky, भूल। I told you to do with me test drive, and you went somewhere else. How dare you? वो मेरी। You and you, not with a female, you went with the males. Come on, ऐसे कुछ भी नहीं है। Oh my God, तुम ये सब क्या कह रही हो राखी? तुम समझने की कोशिश करो। तुमने जो मेरे बारे में गलत सोचा था तो उसको प्रूव करने के लिए मैंने तुम्हें कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं है, और उसके बाद में फिर मैंने जो है राखी को उस रात सहलाया, बलखाया, फुसलाया, और उसके बाद में पूरी तरह से काम शादी सो गया। राखी देखो, तुम ऐसे मत कहो, तुम्हें दुनिया को ये बताना है जो हमने किया है, तुम्हें जो है वो दुनिया को बताना है, नहीं तो ये सब लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे जीते जी सब अभी हुए मत नहीं है, अभी हुए नहीं है आप पति मेरे, और मैं पवित्र हूँ, मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं आपसे शादी इसलिए कर रही हूँ कि मैं जिंदगी भर पवित्र रहना चाहती हूँ। क्यों ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, मैं वो पुजारी हूँ जो तुम्हारे मंदिर में घंटियां बजाना चाहता हूँ, टन टना टन टन टन, आप ना घंटी बजा सकते ना घंटा। राखी कम ऑन, ऐसे मत कहो तुम, मैंने तुम्हें मेरे मर्दांगी का एहसास दिखाया। समझ में नहीं आता कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के बाद ये नाजायज संबंध होना जरूरी है, सेक्स वर्क्स के किस कौन सी किताब में लिखा है? हम शादी के बाद पवित्र रहेंगे, आप मेरे भाई बन के रहोगे। राखी तुम क्या कह रही हो, अभी हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस ले रहे हैं और इसमें तुमने इजहार किया है। उसके बाद सेकंड इनिंग चला, नहीं नहीं सेकंड इनिंग होगा ना, सेकंड इनिंग बाकी है, आगे होगा सेकंड इनिंग, ये एक बार कंफर्म होगा, निकल चुकी है, बंद नहीं होगा, चीज नहीं करती। राखी मेरे पास ऐसे ऐसे परफ्यूम है कि जिसे सुनने के बाद हिरनी जो है ना वो भी बौखला जाती है और हिरन के लिए बहुत घूमते रहती है, तो अगर वो परफ्यूम जिसका मैं ब्रांड एम्बेसडर बनने जा रहा हूँ, हिरन के लिए ना, तुम तो सांड हो जानू। तुम तो सांड हो। तो डेफिनेटली है कि वो परफ्यूम सुनने के बाद और उसके बाद में फिर मेरे कुछ मैनली डांसिंग अदाएं देखने के बाद, हाँ तुम्हारा तो आप मुझे बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए आज मैं आपको मैं ये मंगलसूत्र पहनाती हूँ, लेकिन ये मंगलसूत्र मुझे पहना रही हूँ। जी हाँ, ये आप ही के लिए है, आपकी इज्जत का ढक्कन। राखी जी सामने जी, लेकिन राखी तो मुझे तो मेरे हाथ में ले लो, मंगलसूत्र हाथ में ले लो, ये रूल बदल चुका है, एक बार हाथ में ले लो। राखी ऐसे मत करो, देखो ये मंगलसूत्र मुझे तुम्हें पहनाना था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम तो शादी के पूरे सूत्र बदल रही हो। हाथ में पकड़ो, दिख रहा नहीं है। बाप रे, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई लड़की लड़के को मंगलसूत्र पहना रही है। पागल, कोई लड़की लड़की को मंगलसूत्र पहना रही है? ओह माय गॉड, ये मंगलसूत्र है या दंगल सूत्र है? ये दोनों, ये दंगल ही है। ओह माय गॉड, इसने तो मेरे जिंदगी में कहर डाल दिया। आज से आप मेरी हो गई है। लेकिन कहीं ये पहन के मैं मुसाफिर का सज्जन तक तो नहीं लग रहा हूँ। चलो एक गाना गाओ शादी का, बढ़िया। कौन सा वाला? कोई भी, चढ़ गई गाली तेरी नार सुने रे कौन। सॉरी, ये गाना शादी में नहीं। हाय हाय जी, इतना मत गाना आपने, मैं तो सोची सपोर्ट पे गाना। ये एक्चुअली शादी में जो लोग आते हैं शुभेच्छाएं देने के लिए तो वो गाना गाते हैं, तो शादी का कौन सा गाना? अच्छा, आपने कहा नहीं कि हम भी हमारी शादी में आए, वो कोई गिफ्ट न लाए। अच्छा, दूसरी बात, जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा
कि हमारी ये जो शादी जो है तो इसका बजट हमने 70 करोड़ रखा हुआ है, तो जितने भी बाराती वहाँ पे आएंगे उनको हम आईफोन 12 प्लस गिफ्ट करने वाले हैं। तो देखिए लोगों की शादियाँ जो है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की शादियाँ 5-6 दिन होती है, लेकिन हमारी जो रस्म है शादी है वो 20-25 दिन चलेगी। तो हनीमून कब करेंगे? एक महीना बाद। देखो राखी है जो तुम्हें, लेकिन सुनो 4-5 बार हल्दी लगेगी, 4-5 बार मेहंदी लगेगी, तो वैसलिन कब लगेगा? रिटेक होगा। वेस्लिन की ज्यादा जरूरत है, अभी तो बड़ी बड़ी है, उसको सिलने तो दो पहले। अरे तुम ढीली होने से अच्छा ढीली हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है यार। ऐसे मत करो राखी, इतने लंबी लंबी तुम रस्में कस्में करोगी तो फिर मतलब वो बाकी के काम कब होंगे? हमें कांड भी तो करने हैं ना, जब यहाँ पे पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। अरे जादू, तुम कांड करने के लायक नहीं हो, थोड़ा समझो। राखी तुम्हें मेरे बारे में धारणाएं गलत है, और ये गलत धारणाएं गर्भ धारणाएं होने के बाद विश्वास चलेगा इसको। कांड नहीं कर जब गर्भ धारणाएं होगी ना तो मेरे बारे में जो धारणाएं है वो गलत है, तब इसको पता चलेगा। कौन सी धारणा? गर्भ धारणा। ये क्या होता है? मतलब प्रेग्नेंट होगी तुम, राखी समझने की कोशिश करो। अभी तो तुम विराट के बच्चे की माँ बनने वाली थी। राखी मैंने वीडियो में वैसे कहा, लेकिन रियलिटी में हमारे 20 बच्चे होंगे। किसके? हमारे? डेफिनेटली। हम पूरी क्रिकेट टीम बना सकते हैं। ह्यूमन सरोगेट? मतलब तुम शादी मुझसे करा रहे, तुम्हारे सारे लोग पड़ोसी? कोई सरोगेट नहीं, कोई कुछ नहीं राखी, वो सब हम दोनों मिलकर निर्माण करेंगे, तुम समझने की कोशिश करो। तुम सार्वजनिक हो, मैं सार्वजनिक नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ। मतलब ये सब मेरे साथ करने के बाद होंगे वो 20 बच्चे? अच्छा तुम पैदा करोगे तुम्हारे साथ करने से? तो तुम्हें अभी तक विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्या राखी, मैं एक मर्द हूँ और मैं तुम्हें बहुत बड़ा दर्द देने वाला हूँ। अच्छा? डेफिनेटली। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राखी जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद उतनी समझ नहीं पा रही है, जबकि मैंने उसको कामशास्त्र के पाठ भी पढ़ाए हैं, लेकिन शायद मेरे कामशास्त्र। मैं नादान हूँ, मुझे डेटिंग बहुत सारी चीजें हर जगह जाते हैं, मुझे पूछते हैं, मुझे मालूम है, आप जानते हैं। मैंने जो आपके पास वर्जिनिटी का आई डोंट नो व्हाट। अरे जब तुम लॉस एंजेलिस में आई थी और जब मैंने तुम्हें वो चॉकलेट पैंटी पहनाई थी और जब मैंने तुम्हें वो कैसी पिघलती है और किस तरह से वो चॉकलेट को चाट कर सामने वाले को उत्तेजित किया जाता है, वो सब मैंने तुम्हें बताया तो वो तुम्हारे अभी तक पल्ले नहीं पड़ा। चॉकलेट कब चाटी आपने? राखी तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये पल्लू तुम हटा दो, जब तुम ये पल्लू हटाओगी तो सब तुम्हारे पल्ले पल्ले पड़ेगा। भारतीय नारी की साड़ी पे हाथ नहीं लगाना। क्योंकि हमारी राखी बहुत फेमस है, और अगर राखी का नाम जुड़ जाता है तो फिर मिलियन में व्यूज आते हैं, और इसीलिए लोग राखी से शायद हमारे कारण कोई उनको पहचान ले, इसलिए ये कर। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। राखी जी, आपका जो कार्ड और वो सब आ रहा था उससे बोल रहे थे कि जो है पब्लिसिटी स्टंट है ये शादी, क्या कहेंगे इस बारे में कुछ? कार्ड तो इन्होंने छपे, इनको पूछो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? ओह माय गॉड, कल जाके अगर हम लोग लाइव सुहागरात करेंगे और बच्चे भी पैदा हो जाएंगे ना तो लोग कहेंगे कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। ओह माय गॉड, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शादी करे तो वो शादी, और मैं शादी करूँ तो वो बर्बादी। देखो देखो शादी और दे दो हमको गाड़ी और कुछ नहीं। शादी के वेन्यू कहाँ पे आते हैं? खलीफा भी आ रहे हैं। तुम्हें नहीं पता ना? तुम उनकी फिल्में नहीं देखती हो? कौन सी फिल्म है? फिर शादी के बाद पता चलेगा। तो कौन है तुम्हारा? कौन है? बहुत बड़े पॉर्नस्टार है। पॉर्नस्टार हमारी शादी में क्या करेंगे आकर? तो मतलब मैं तो वो मेरे सनी लियोनी भी आ रही है? नहीं, सनी लियोनी नहीं आ रही है। क्यों? वैसे मैं भी एक पॉर्नस्टार हूं। छी, मतलब अभी हमारी शादी हो रही है तो तुम्हारे साथ जो करूंगा तो मैं भी तो पॉर्नस्टार ही बन जाऊंगा ना। लेकिन मैं पॉर्नस्टार नहीं हूं। आप तो मैं स्टार हूं। अच्छा ओके, पॉर्नस्टार क्या होता है? बाद में तुम्हें नहीं पता? नहीं। हमारी राखी बहुत दूध की धुली है, इससे लस्सी से मत धोना। हमारे राखी को लस्सी से मत धोना क्योंकि वो दूध की धुली है। मुझे एक बात समझ आई, हमारी शादी में सब पॉर्नस्टार आएंगे? नहीं। देखिए अमित जी ने, अमिताभ बच्चन जी ने, जितने भी सेलिब्रिटीज है, शिल्पा शेट्टी, गणेश आचार्य, नाना पाटेकर जी, तनुश्री दत्ता, हाँ तनुश्री दत्ता,
सबने सबने बोला है शाहरुख सलमान आमिर जितने भी है सैफ नाना पाटेकर सबने बोला है कि वो हमारी शादी में आएंगे और कंफर्मेशन आ चुका है. शाहिद कपूर पवन सिंह भी आ रहे हैं. पवन सिंह खेसारी लाल पवन सिंह और ये निरहुआ. और आज आप देख रहे हैं कि आज जो मैंने साड़ी पहनी है ये मुझे मैकडोनल्ड ट्रंप जी ने गिफ्ट करी है. जब लास्ट टाइम मैंने अपनी ड्रेस में मोदी जी की फोटो लगाई थी तो सबको बहुत तकलीफ हो गई. तो उन्होंने मुझे मैकडोनल्ड ट्रंप जी ने कहा है मुझे ये कौन है. अभी अभी पति नहीं अभी शादी को बाकी है. उससे पहले हाथ मत साफ करो. मतलब नहीं हाथ नहीं लगाना. मैं तो बूटी को किस कर रहा हूँ. कौन सी बूटी. जड़ी मतलब बूटी. तुम्हारी प्यारी सी बूटी यार. अपना बूटा उधर रखो. तुम्हारा कौन सी जड़ी बूटी खाई मुझे. मैकडोनल्ड ट्रंप जी ने ये साड़ी गिफ्ट करी. उन्होंने कहा राखी इंडिया में कोई तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता. तो अब जब कभी भी तुम कहीं पे भी जाओ शादी करो तो सबसे पहले आज सुबह ही मुझे ये जो है अमेरिकन फ्लैग की साड़ी जो है गिफ्ट आई है. और आज थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं मैकडोनल्ड ट्रंप जी को कि आपने मुझे ये जो साड़ी भेजी और मैंने ये पहनी है. मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे चार्टर्ड प्लेन दिया है चार के सारे सेलिब्रिटीज आ सके. और एक बार ये मैं खड़ियों की बात क्यों कर रही हूँ. और चार्टर्ड प्लेन दिए हैं मैकडोनल्ड ट्रंप जी ने और कहा है कि सारे सेलिब्रिटीज जो है वो इसी प्लेन में आएंगे. सबके वीजा हो गए हैं और सारी तैयारियां हो चुकी है हमारी शादी की. डेफिनेटली मैं तो बिल्कुल प्यार में खो गया था क्योंकि पता नहीं जब राखी साथ में होती है ना तो बंदा जो है वो पूरी तरह से बह जाता है उसकी खूबसूरत अदाओं से उसके लटकों से झटकों से. ज्यादा मत बहो वो सब पानी भर लेंगे. और मैं विश करती हूँ कि सारी मीडिया हमारी शादी में आएंगी. जितनी भी मीडिया है सबको दो दो आईएक्स फोन सबके वीजा हो चुके हैं सबके पासपोर्ट के डिटेल्स आ चुके हैं सबके और हमारी सुहागरात लाइव होगी और उसमें सबको आना है. लाइव सुहागरात हमारी होगी उसमें सबको आना है. और राखी प्लीज तुम इसके लिए हामी भरो क्योंकि तुम बहुत शर्मीली हो और तुम इस बात के लिए मना कर रही हो जो बहुत गलत है. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारी लाइव सुहागरात हयात में जा रहे रिसेप्शन है रणवीर और दीपिका जी. रणवीर और दीपिका रिसेप्शन में जाने वाले. हाँ मैं अभी आज जा रही हूँ रणवीर और दीपिका के रिसेप्शन में मैं जा रही हूँ इसलिए स्पेशल मैंने यही साड़ी पहन रखी. थैंक यू सो मच. मुझे अच्छा नहीं लगता. अगर करण जौहर ने मुझे दीपक कलाल से दीपक दलाल कहा तो मैं उसको करण शोहर कहूंगा. ऐसा मैंने उसे जवाब दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि वो फ्यूचर में मुझे दलाल कहेगा. रानी पहले हाथ तो निकालो. ओके अभी शादी हुई नहीं है. ओके जी मैं एक्चुअली यूट्यूब की दुनिया का बादशाह हूँ और मेरे जो वीडियोज है वो काफी वायरल हो रहे हैं और शायद ही कोई ब्यूटी क्वीन है जो मुझे मेरे वीडियो से बची है. तो राखी ने जब मेरे वीडियोस देखे तो उसने पाया कि कौन है हट्टा कट्टा तगड़ा मुस्टंडा और मैं शौक होकर बेहोश होकर गिर गई. हाँ तो इसने मुझे जो है राखी ने मेरे वीडियो देखे और मुझे पता चला कि राखी जी ने जो कि इतनी बड़ी सुपरस्टार है और उन्होंने सलमान शाहरुख आमिर खान सबके साथ बड़े बड़े आइटम सॉन्ग्स किए हैं तो मैं भौचक्का रह गया हक्का पक्का रह गया. और मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मामा ये देखो राखी सावंत ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है और मैं खुशी के मारे झूमने लगा और उसके बाद में प्यार हमारा परवान चढ़ते गया. 10 साल तक इन्होंने अपने सीने में अपनी छाती में हमारा प्यार दबा के रखा है. डेफिनेटली 10 साल क्योंकि राखी सावंत मतलब एक तकिया को मैंने राखी सावंत बना के रखा था. हेलो तकिया कलाम कहते तकिया नहीं नहीं मतलब जो हम सोते हैं ना तो जो मुलायम तकिया जिसको हम साथ में लेकर सोते हैं वो तकिया. तो, हाँ तो उसके साथ में खिलवाड़ करते रहा क्या. हाँ मतलब उसको सहलाना बलखाना जो पूरी इंडिया करती है उसमें क्या क्या कौन सी बड़ी बात है यार. ओके
तो उसमें कोई भौचक का रहने वाली बात नहीं, क्योंकि राखी की जो फिगर जो है उसके बूब्स बूटी उसकी जो है वो पूरी यूथ दीवानी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर ये थैंक्स टू माय डॉक्टर। मतलब ये जो तुम्हारी बूटी है जड़ी बूटी से बनी है, मतलब ये ओरिजिनल है ना? बूटी मतलब ये हिप्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हम लिप्स से प्यार करते हैं, हिप्स। हिप्स? हाँ। नहीं, हिप्स तो असली है। हाँ, तो वही बस, तो इसीलिए जो है मैं प्यार हो गया। बहुत से लोगों को एक्चुअली राखी के बूब्स पसंद है, लेकिन दीपक कलाल को अगर आप पूछोगे तो उसे राखी की बूटी पसंद है। तो मैं अपनी बूटी का इंश्योरेंस करा रही हूँ, और मुझे 70 CR का। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उसकी जो बूटी जो है वो बहुत प्रेस्टिजियस है, और 70 CR डॉलर्स या रुपीस? रुपीस डॉलर ज्यादा है कि रुपीस ज्यादा है? डॉलर्स। ओ नहीं, इंडिया में रुपीस ठीक है तो चलेगा, बट बहुत बहुत अच्छी इनकी बूटी है, और इनकी बूटी को कोई भी बीट नहीं कर सकता है, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बूटी तो अच्छी है, आपकी बूटी के बारे में जरा बात कीजिए, आपकी बूटी इतनी टूटी हुई क्यों है? देखो, हमने वर्जिनिटी टेस्ट करवाई है राखी, और मेरी जो वर्जिनिटी टेस्ट है, आपकी बूटी इतनी फटी हुई क्यों है, टूटी हुई क्यों है आपकी बूटी? कहाँ कहाँ जाते हैं आप, क्या करते हैं? देखो एक्चुअली मेरे साथ बाहर मीडिया में आपकी चालो मेरी बूटी, मेरी बूंद बूंद बूंद, क्या बूंद बूंद लगा रखा है, बूंद बूंद लोग तरस रहे पानी को, आप बूंद बूंद बचा रखा है। एक्चुअली ऐसे नहीं है, तीन पंजाबी लड़कों ने मेरे साथ बल्ले बल्ले की करने की कोशिश की। बल्ले बल्ले मीन्स बलात्कार? हाँ, और उन्होंने मुझे तहस नहस किया था, और उसमें मेरी क्या गलती है? कैसे, क्या हुआ है, कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने मेरे चूचियों को पियर्सिंग किया था, और मैं पंजाब में घूम रहा था, तो वो लोग शराबी थे, और उसके बाद में वो ललचा गए, उनके पैर फिसल गए, और वो मेरे साथ आके कुछ कुछ ऐसे करने लगे जिसे समाज अहमियत नहीं देता है, और उसके बाद में उन्होंने। लेकिन आप तो एक लड़का है, तो आपकी चूचियों को कोई कैसे सला सकता है, और आपकी ये जब पंजाबी शराब पीते हैं, आपकी बूटी को कोई तहस नहस कैसे करता है, आपका कैसे बलात्कार हो गया, कैसे हो गया ये, आपने पुलिस कंप्लेंट कर क्यों नहीं करवाई? मैं पुलिस के पास गया, उन्होंने भी मुझसे वही एक्सपेक्ट किया। और आप अभी यहाँ मेरी हमारी शादी की बात करने आए हैं या आपकी बूटी का रोना रोने आए हैं? नहीं नहीं, मैं शादी की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपने बात पीछे से छेड़ी, इसीलिए मैंने उसे उजागर। तो बात तुम्हारी पीछे की है तो पीछे से ही छेड़नी पड़ेगी ना। तो वैसे मैंने मेरी वर्जिनिटी टेस्ट की है, और अभी जो है वो मेरी बूटी सुरक्षित है। मंगल सूत्र? हाँ, सदा सुहागन रहो। ये तो दंगल सूत्र लग रहा है। तो दंगल ही तो होने जा रहा है, सदा सुहागन रहो मतलब। लेकिन ये मंगल सूत्र तो लड़का लड़की को पहनाता है, तो तुम मुझे क्यों पहना रही हो? तो लड़की लड़की को पहना रही है ना, तो शादी में तो इसके लिए गाना हो जाए। कौन सा? चल चल गई गली तेरी हां सुहरे कोठे में, ये गाना तुम गगगा नहीं तो सुने चंपा सुने तारा कोई जीता कोई हारा। कम ऑन राखी, तुमने मुझे क्या बना दिया है ये? अरे इसे मैंने रखो, मुझे ये कतई पसंद नहीं है, मैं एक मर्द हूँ, और तुम मीडिया के सामने मुझे क्या साबित करना चाहती हो? जो तुम हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे वीडियोस में मैं लड़कियों की एक्टिंग करता हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं खाचा कच्चा मुश्तंडा मर्द हूँ, और इसका एहसास मैं राखी सावंत को दिलवाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर तुमने सब लोगों को इनवाइट किया कि नहीं, पासपोर्ट वगैरह सबके? डेफिनेटली, जितने भी मीडिया के लोग हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको एलए में आना है, और आपके पासपोर्ट डिटेल्स प्लीज दीजिए, आपके टिकट्स और जाना मना है। हाँ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने ये जो साड़ी पहनी है ये अमेरिका का फ्लैग जो है, जो हमारे मैकडॉनल्ड ट्रम्प जी ने मुझे ये साड़ी गिफ्ट करी है, और वो कहते हैं कि रॉकी एक टाइम पे तो अपने अपने प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगाया था, वो बहुत नाराज हुए थे, वो कहने के लिए था, बट वो नाराज नहीं हुए तो बहुत खुश थे, क्योंकि अमित जी ने मुझे खुद कहा था कि आप लगा सकते हो, डजेंट मैटर, सो डोंट वरी, मैकडॉनल्ड ट्रम्प मेरे साथ है। उन्होंने ये कहा था कि आज सुबह ही मुझे 5:30 बजे ये साड़ी अमेरिका से आई गिफ्ट, और तभी मैंने ये साड़ी पहनी है, और मुझे लगता है कि मैं इसमें काफी खूबसूरत लग रही हूँ, और मैकडॉनल्ड ट्रम्प जी ने 5 फ्लाइट चार्टर भेजे हैं सारे स्टार्स के लिए, बॉलीवुड स्टार्स मेरी शादी में आएंगे, आएंगे ना? जरूर आएंगे, लेकिन ये साड़ी तो मैकडॉनल्ड ट्रम्प ने दी है, लेकिन अंदर जो ब्रा और पैंटी है वो मैंने दीपक कलाल ने दी है, और वो भी चॉकलेट फ्लेवर की। कितना घटिया आदमी है, तुम्हारी सुई ब्रा और पैंटी पे क्यों टिकी रहती है? क्योंकि वही असली लज्जा का रक्षण करती है, भले वो 4 इंच की होती है, लेकिन मेन पुर्जे की लज्जा का रक्षण वही तो करती है डार्लिंग।
राखी जी, इन दिनों बिग बॉस के घर पे काफी बहुत ही घमासान हुआ है, लड़ाई हो रही है सुरभि राणा, आप कितना फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा बिग बॉस के बारे में शादी है, ये बिग बॉस डिग बॉस बिग बॉस के बारे में बात न करें प्लीज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी शादी है और मेरे लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मेरी मेहंदी हल्दी संगीत, संगीत में आपने देखा कि दीपक कलाल ने कितना अच्छा डांस किया, दीपू थोड़ा डांस करके दिखाओ एक वाला, कौन सा कर, एक मिनट, कोरे जा बे समा जा, उठा ले पानी पूरा, चटाई तू बिछा जा, बाहियों में कसी है सैया, मार लो कचा कोच 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 कोच, बाहियों में कसी के सैया, मार लो कचा कोच कोच कोच। तो ये डांस जो है ये हम करने वाले हैं, हमारे संगीत का डांस है ये, और हम लोग संगीत में ऐसा डांस करने वाले हैं बहुत सारा, जा